नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं, अपने हाथों को गोरा कर सकते हैं, अपने पैरों को गोरा कर सकते हैं या फिर अपने पूरे गर्दन को, शरीर को गोरा कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें दावा करती है कि आपके चेहरे को गोरा कर देगा, आपके गर्दन को गोरा कर देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताती है कि आपके हाथों को, पैरों को या फिर शरीर को कैसे गोरा किया जाए। दोस्तों चेहरे के साथ साथ, गर्दन के साथ साथ आपके पूरे शरीर को या फिर पैरों को, हाथों को, पूरे शरीर को गोरा कर देगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारियाँ आप सभी को मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। उससे पहले आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमारे बताए अनुसार आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसमें आपको सबसे पहले चीज़ पड़ेगी वो फ्रेंड्स नींबू की। दोस्तों नींबू में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके चेहरे के अंदर जो भी डेड सेल्स होते हैं उसे बाहर निकालता है और आपके चेहरे को गोरा करने में, आपके शरीर को गोरा करने में बहुत ही मदद करता है। तो आप लगभग आधे चम्मच की मात्रा में नींबू के रस को ले लें तो लगभग आपको इतनी मात्रा में नींबू का रस लेना है। और फ्रेंड्स इसके बाद से आपको जरूरत पड़ेगी इनो की। दोस्तों इनो में कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं दोस्तों इनो आपके चेहरे को या फिर शरीर को बहुत ही जल्द गोरा करता है। फ्रेंड्स ये आपके चेहरे को या फिर शरीर को प्राकृतिक रूप से गोरा कर देता है और फिर से काला होने नहीं देता है। दोस्तों लगभग आपको इतनी मात्रा में इनो लेना है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी वह फ्रेंड्स फेयर एंड लवली। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि आपके चेहरे को गोरा करने में काफ़ी मदद करता है। तो आपको लगभग इतनी मात्रा में फेयर एंड लवली लेना है और इसके बाद से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है आपके चेहरे को या फिर आपके शरीर को या फिर आपके हाथों को गोरा करने का। दोस्तों जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके चेहरे पे जहाँ भी पिंपल है वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जहाँ पे पिंपल नहीं है वहाँ पे ऐसे लेकर अपने हाथों से और इस तरह से लगा लीजिए और लगा देने के बाद लगभग इसे 10 से 15 मिनटों तक छोड़ दीजिए और छोड़ देने के बाद आप उसके बाद से इसे धो लीजिए। जब फ्रेंड्स आप इसका पहली दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आप पहली बार से ही देखेंगे कि आपका चेहरा गोरा होने लगा है और आपका चेहरा खूबसूरत होने लगा है। तो दोस्तों आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे को गोरा कीजिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।